और रोक से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद सत्ता जीवन में आती रहती, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया तो मोदी जी सब लोग पहुंच गए। इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज इस सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले और सदन के माध्यम से जनसेवा में रत ऐसे चार हमारे साथी, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के कारण नए कार्य की ओर कदम रख रहे हैं। श्रीमान गुलाम नबी आजाद जी, श्रीमान शमशेर सिंह जी, मीर मोहम्मद फैयाज जी, नाजिर अहमद जी, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव का, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपने जो कुछ भी योगदान किया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। जम्मू कश्मीर से रिटायर होने वाले चार आदरणीय सदस्यों के लिए उनके जीवन का यह कार्यकाल सबसे उत्तम कार्यकाल है, क्योंकि इतिहास ने एक नई करवट बदली है और जिसके वो साक्षी बने हैं, सहयात्री बने हैं, ये उनके जीवन की बहुत बड़ी घटना है। श्रीमान गुलाम नबी जी, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है जी, ये बहुत बड़ी बात है। वरना
अपोजिशन के लीडर के रूप में अपना दबदबा पैदा करना, ये सब मोह किसी को भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने सदन से, मैं शरद पवार जी को भी इसी कैटेगरी में रखता हूँ, वे सदन की और देश की चिंता को प्रायोरिटी देने वाले नेताओं में से रहे। गुलाम नबी जी ने बखूबी इस काम को निभाया है। मुझे याद है इस कोरोना काल में मैं एक फ्लोर लीडर्स की मीटिंग कर रहा था, तो उसी दिन गुलाम नबी जी का फोन आया। तो मोदी जी, ये तो ठीक है आप करते हैं, लेकिन आप एक काम कीजिए, सभी पार्टी लीडर्स की मीटिंग जरूर बुलाइए। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पार्टी लीडर्स के साथ, सभी पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठने का मुझे सुझाव दिया, और मैंने उस मीटिंग को किया भी, वो गुलाम नबी जी के सुझाव पर किया था। और मुझे कहने में, यानी इस प्रकार का संपर्क, और उसका मूल कारण है कि उनको दोनों तरफ का अनुभव रहा है, सत्ता दल का भी और विपक्ष का। 28 साल कार्यकाल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत साल पहले की बात है, शायद अटल जी की सरकार होगी, मुझे याद नहीं रहा, मैं यहाँ सदन में किसी काम से आया था, मैं तो तब राजनीति में नहीं था, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं था, मैं संगठन का काम करता था। तो मैं और गुलाम नबी जी ऐसे ही लॉबी में गप्पे मार रहे थे, अब जैसा पत्रकारों का स्वभाव रहता है, बराबर नज़र लगाए बैठे थे कि ये दोनों का बेल कैसे हो सकता है। हम हंसी खुशी से बातें कर रहे थे, तो हम जैसे ही निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। गुलाम नबी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था, वो जवाब हम लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। उन्होंने कहा, भाई देखिए, आप लोग हमको अखबारों में या टीवी माध्यमों में या पब्लिक मीटिंग में लड़ते झगड़ के देखते हो, लेकिन सचमुच में इस छत के नीचे हम जैसे एक परिवार का वातावरण कहीं नहीं होता है। इतनी हमारी आत्महत्या होती है, इतने सुख दुख होते हैं, ये जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गुलाम नबी जी का एक शौक शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे, हम सरकारी बंगलों में रहते हैं, तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है, लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है, और इसका उनको गर्व भी है, वो समय देते हैं, नई नई चीज़ें जोड़ते हैं, और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बगलों नंबर वन ले आता है। यारे, अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यक्रम में। शायद ही कोई ऐसी घटना नहीं मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे,
मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे, वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो, आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं, आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है, ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा, आपको मैं निवृत्त तो होने नहीं दूंगा। फिर एक बार बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।